दाल ढोकले की विधि देखिए। पहले आटा तैयार किया, आटे में मौन नमक, थोड़ा सा रवा, बेसन डाल के अच्छे से आटा सॉफ्टली करके छोटी छोटी पतली पतली रोटी बेल ली। इसके बाद दाल, तुअर की दाल को अच्छी पतली करके, देखिए इसको अपन ने अच्छा बॉईल कर लिया, थोड़ा पानी अलग से बॉईल कर लिया जिससे हम उसको बाद में दाल ढोकले को अच्छे से मिक्स करने के लिए पानी अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमने हरी मिर्ची और टमाटर का बघार तैयार करके रखा है। अब ये सब डाल के हम एक अच्छा सूदिंग डिनर तैयार कर रहे हैं। हल्के हल्के हमने इसमें रोटी को सेक लिया है ताकि वो बॉइल्ड होते टाइम हलवा ना बने। बाप रे, कुछ तो अपने को छोड़ना पड़ेगा। देखिए इसके छोटे छोटे से शकल पारे जैसी हमने टुकड़े काट लिए हैं दाल ढोकली के लिए। पतले पतले स्लाइस किए जा रहे हैं और दाल ढोकली की सामग्री तैयार है। पूरी स्लाइस करने के बाद इन्हें हम हमारे जो बॉइल्ड की हुई दाल है उसमें डालेंगे। दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें पूरी दाल ढोकली डालेंगे। अब हमने इसमें कटिंग की हुई सब दाल ढोकली ये सब हमने इसमें उबलती हुई दाल में डाल दी है। अब इन्हें हम पकने के लिए, बॉइल्ड होने के लिए छोड़ेंगे और जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगी तो ये ऊपर की तरफ तैरने लगेंगी। थोड़ी देर में हम देखते हैं, इनको 10 मिनट पकने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी दाल ढोकली खाने के लिए रेडी हो रही है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएंगे और जल जाएंगे दाल ढोकली। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से इनको हिलाते रहें। और चूंकि ये तुअर की दाल है इसलिए इसके ऊपर जो फैन आता है इसको अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। निकालने से क्या होगा कि ये गैस वगैरह करती है तुअर की दाल, तो किसी को पेट में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें ये दाल का जो झाग ऊपर आता है ये निकाल लेना चाहिए। इससे क्या है कि ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं करेगी, ना हार्मफुल नहीं करेगी। अक्सर जब भी हम दाल बनाते हैं तो कुकर में बनाते हैं और बंद कर देते हैं तो वो हमें नुकसान भी करती है।
इस तरीके से यदि हम उसका झाग निकालते जाएंगे और उसके बाद कुकर लगा सकते हैं। एक बार झाग निकाल लें उसके बाद अगर हम जनरली कोई काम करते हैं तो कुकर लगा सकते हैं। अभी तो इसमें ढोकली डली है इसलिए हमको कुकर नहीं लगाना है, पहले दाल को सीटी डाल के अच्छे से पका लेना है और फिर पतली दाल लेके उसके गार्निशिंग के लिए हमने धनिया काट के रखा है और टमाटर और हरी मिर्ची का बघार बना के तैयार करके रखा है। जब अच्छी तरह से हमारी दाल पक जाएगी तो हम सब मिला के उसको एक दो उबाली और लेके और फिर खाने के लिए रेडी कर सकते हैं। आप लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो अगर पसंद आए या मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे बना के ज़रूर देखें। आई होप आपको अच्छा लगेगा।